हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं हूँ बेंगलोर में और बेंगलोर में एक स्पॉट है दैट इज़ कॉल्ड कबन पार्क। मैं वहाँ पे घूमने आया हूँ। यहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है। अभी मैं एक्वेरियम भी जाऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं हम बेंगलोर घूमने। तो बेंगलोर में क्या कुछ आज कवर कर सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो भी कुछ होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की कोशिश करूंगा और रेट है, क्या बस का नंबर है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, तिरुमनहल्ली से मैं बस पकड़ के, जिसका नंबर था 290E, मैं अभी नागवारा आया हूँ और यहाँ से मुझे अब एक बस और लेनी पड़ेगी कबन पार्क के लिए। अगर बस नहीं मिलती तो मुझे रैपिडो बाइक या फिर कैब करनी पड़ेगी। जो भी ऑप्शन मैं अवेल करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और वहाँ पहुँच के क्या देख सकते हैं ये भी आपको बताऊँगा। बेंगलोर में एक प्लेस है घूमने वाली जिसका नाम है कबन पार्क। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क फैला हुआ है और मैंने सुना है यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है। तो अभी पता लगाते हैं कि एक्वेरियम में कैसे जा सकते हैं, उसकी क्या टिकट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं तिरुमनहल्ली से चला था तो मुझे 290E नंबर की बस मिली थी नागवारा तक जाने के लिए। नागवारा से मुझे किसी ने बताया कि एक बस आती है लेकिन मुझे वहाँ से कोई बस नहीं मिली। फिर मैंने रैपिडो बाइक हायर की जिससे मैं कबन पार्क तक पहुँचा हूँ। फिलहाल कबन पार्क घूमते हैं और आपको भी वर्चुअली घुमाते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, मैं कबन पार्क में पिछले 15-20 मिनट से हूँ और जैसा मैं यहाँ पर आके देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, ये एक पिकनिक स्पॉट है बेंगलोर के लोगों के लिए। आज सैटरडे का दिन है तो सभी लोग पिकनिक करने आए हुए हैं। कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं, फ़ोटो क्लिक्स करा रहे हैं, कुछ खाना घर से ही बना कर लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनरी भी बहुत है, तो एक पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर बिता सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी। फ्रेंड्स, कबन पार्क में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो संडे को होती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं ये संडे को होती हैं। आज सैटरडे का दिन है, आई विल मिस इट। अगर मुझे कभी संडे को आने का मौका मिला तो मैं ये भी कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप संडे को आते हैं तो ये एक्टिविटी देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, कबन पार्क के बाद मैं आ चुका हूँ वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में। आप मेरे पीछे रेड कलर की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये पीछे एंट्री गेट है। तो अभी अंदर चलते हैं, टिकट का क्या प्राइस है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से दिखने में कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आर्ट गैलरी की जो टिकट है वो 20 रुपीज़ की है, टिकट मैं ले आया हूँ। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर देखने में क्या क्या है। पीछे काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। फ्रेंड्स,
आर्ट गैलरी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं एंशियंट टाइम के ब्रिक रखे हुए हैं, पोर्ट्स रखे हुए हैं, जो इम्प्लीमेंट्स वो यूज़ करते थे वो रखे हुए हैं, बहुत बहुत पुराने रखे हुए हैं। तो ये अगर आप बेंगलोर आते हैं तो आपकी मस्ट विजिट प्लेस में ये होना चाहिए, तो आप यहाँ आते हैं। इसकी जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपीज़ की है, आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। आर्ट गैलरी में अभी ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं और ऊपर क्या है देखने के लिए वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एंशिएंट टाइम में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं, एज ए डेमो हमें बताने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो आर्ट गैलरी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने की रखी हुई हैं, इन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ आते हैं तो ये विज़िट आपका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। के बाद मैं आ चुका हूं विश्वेश्वरैया म्यूज़ियम में, आप पीछे एंट्री गेट देख सकते हैं। अंदर जाने की जो टिकट है उसका प्राइस है 85 रुपीज़। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर देखने में क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं।
होके आ चुका हूँ और म्यूज़ियम बच्चों के हिसाब से बहुत ही आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव प्लेस है। तो म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी अच्छी लगेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चेन कैसे चलती है और जो सबसे पहला एरोप्लेन आया था वाइट ब्रदर्स ने बनाया था वो कैसे बनाया था, ये सब चीज़ें अंदर हैं, 3 से 4 फ्लोर अंदर हैं। और अगर आपको म्यूज़ियम अच्छे से घूमना है तो आपको आई थिंक 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पर निकाल के आना होगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ 85 रुपीज़ की टिकट है। तो अगर आप म्यूज़ियम में आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप सुबह 11 से 12 बजे आएँ ताकि आप यहाँ पे टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें। और बच्चों के लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है, यू विल थैंक मी लेटर। अगर आप यहाँ आते हैं, बेंगलोर में आते हैं, तो विश्वेश्वरैया म्यूज़ियम में बिल्कुल आएँ। फ्रेंड्स, बेंगलोर का वीडियो आप देख चुके हैं और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, और जिसमें मैंने आर्ट गैलरी कवर की है और विश्वेश्वरैया म्यूज़ियम कवर किया है और कब्बन पार्क भी कवर किया है। तो ये वीडियो देख के आप बेंगलोर में आते हैं तो ये चीज़ें मेरा वीडियो देख के, वीडियो रेफर करके आप आराम से घूम सकते हैं। बस की बात की जाए तो 290E बस जो है वो इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग तक जाती है, उसके बाद आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आपको 10 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा कब्बन पार्क के लिए, जहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर इसी तरह बने रहें, ये सफ़र कभी ख़त्म ना होगा।